देखो मैं कहती हूँ भजन करने का सही उम्र बचपन है। लोग कहते हैं जब बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे, क्या पता वृद्धावस्था देखने को मिलेगा भी या नहीं, किसी को पता है किसी को नहीं पता। बचपन में बहाना बनाया जब बड़े होंगे तब करेंगे, बड़े हुए शादी हुआ फिर कहेंगे बच्चे होंगे तब करेंगे, फिर तो हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, बच्चे हो जाएं फिर भजन करेंगे, फिर कोई दुनिया का चिंता नहीं होगा। बच्चे हुए तो पढ़ाने के लिए मेहनत करना है, बच्चे पढ़ लिख लें उनकी और शादी करें तब भजन करेंगे। अब उनकी शादी कब करोगे कब भजन करोगे तब तो अपना ही डेट निकल जाएगा। जैसे कौरव हारे आज पांडव जीत मना रहे हैं। देखो जीत उसी का होता है जिसके साथ में भगवान खड़े हैं। इसलिए जीवन की कभी भी कोई भी परीक्षा देना हो तो अपने साथ में भगवान को रखें। अपने मन में कन्हैया को हर पल विराजमान कराएं। अगर आप मन में भगवान को विराजमान करते हो तो आप जीवन की किसी भी परीक्षा में हार नहीं सकते। जिसके साथ स्वयं भगवान है वो कभी हार ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो हारे के सहारे हैं। बोलो हारे के सहारे की जय हो। भगवान कहते हैं कभी भी सोए हुए बालक को मारना नहीं चाहिए। सोए हुए बालक को मारना और स्त्री को मारना ये बहुत बड़ा पाप है। ऐसे पापी को आतताई कहते हैं। कभी भी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए, नारी का हमेशा सम्मान करना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी शक्ति का सम्मान होता हो, जहाँ पर नारी शक्ति का पूजन होता हो वहाँ पर देवता भी रमन करते हैं। और वो हमारा देश भारत जहाँ पर सदैव नारी का सम्मान किया जाता है। चरण पकड़ करके देवी उत्तरा कहती कि प्रभु मुझे विश्वास है आप जरूर रक्षा करेंगे, आज ऐसा क्यों किया। उत्तरा के इस चरित्र को सुन करके हमें भी पता होना चाहिए कि कौन हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, हमारे सच्चे साथी कौन हैं। जब भी हमारे ऊपर संकट आता है ना तो हम रिश्तेदार को देखते हैं, जब भी विषम परिस्थिति आते हैं तब रिश्तेदार की ओर देखते हैं। ये अपना है ये करेगा, वो हमारा है वो करेगा, लेकिन जब संकट आए तो रिश्तेदारी भी काम नहीं आते, सब दूर हो जाते हैं, सब साथ छोड़ देते हैं। आपको भूख ना हो तो भोजन नहीं करना चाहिए, सब कोई जानते हैं, साधारण सी बात है, भूख ना हो तो भोजन नहीं करना चाहिए। और दूसरा परिस्थिति, आप जहाँ खा रहे हो खिलाने वाले व्यक्ति के मन में अगर आपके लिए प्रेम ना हो, बाहर से तो खिला रहा है लेकिन अंदर से गाली दे रहा है, बड़े दुखी होकर के खिला रहा है, रोते रोते खिला रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के घर में भी भोजन करना बेकार है, व्यर्थ है। ऐसों के घर में भी भोजन कभी करना नहीं चाहिए। और तीसरा परिस्थिति, अगर आप जिस काम के लिए गए हो वो कार्य पूरा नहीं हुआ तो भी भोजन करना व्यर्थ है। ये तीन परिस्थिति में भोजन करना मूर्खता है। अब देखो विवाह करने से पहले कन्या को देखना भी बहुत जरूरी है। पता चला एक बार भी देखा नहीं, ऐसे ही रिश्ता पक्का कर दिए, अब बाद में अच्छा स्वभाव नहीं रहा तो, है ना। आजकल तो आजकल जमाना बदल गया, पहले की तरह नहीं कि माता पिता बात करे और उसके बाद में हो गया। देखिए माता पिता ने आपका रिश्ता तय किया है तो कोई डाउट नहीं वो गलत होगा,
क्योंकि हमेशा माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। अपने बच्चों के लिए माता पिता के अलावा कोई और अच्छा नहीं सोचता। माता पिता कभी भी सही फैसला ही लेते हैं। प्यार से बोलो,